यूपी की राजनीति में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जब से एक्टिव हुए हैं, तब से सियासी गलियारे में उनकी राजनीति को लेकर चर्चा आम है। सियासी पार्टियों के धुरंधर अपने अपने तरीके से इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और इधर ओवैसी अपनी सियासी चाल में व्यस्त हैं। इसी फहरिस्त में ओवैसी के टारगेट पर सपा के बेस वोटर्स हैं। मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने चाल चल दी है। सपा में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा और रामपुर से सांसद आजम खान के प्रति सहानुभूति दिखाकर उन्होंने अपनी रणनीतिक इरादा जता दिया है। किसको नुकसान फायदा हुआ? देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हो। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की ज़हनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमारी और हम वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई, जिसको जरूरत है आ जाए, हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात। आपके मोर्चे पे सत्ता दल का कहना है कि बाहरी लोग हैं और यहाँ कुछ खास कर नहीं पाएंगे, चार दिन की हवा है, उसके बाद चुनाव में जनता बता देगी। ठीक है, चार दिन की अगर बाहर है तो मालूम हो जाएगा कितनी बाहर किसकी है। यूपी की भागीदारी की चाहत रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अभी बीजेपी के खिलाफ रहने वाली पार्टियों को कभी खुला ऑफर दिया था, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने की रणनीतियां बना ली है और अब अखिलेश के आजम पर उनकी नजर है। सपा के मुस्लिम फेस कहे जाने वाले यूपी के फायर ब्रांड नेता आजम खान पिछले करीब एक साल से जेल में बंद है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे ओवैसी ने अब मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने आजम वाले मुद्दे को टच करने का फैसला किया है। ओवैसी के कैंप से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। उनकी तरफ से आजम खान को इस तरह का संदेश भिजवाया गया है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जेल में मुलाकात तभी हो सकती है जब आजम खान इसके लिए अपनी तरफ से हामी भरें। अगर AIMIM अपनी इस रणनीति पर कायम रहती है तो अखिलेश के लिए मिशन 2022 के लिए बड़ा झटका होगा। ओवैसी की पार्टी की ओर से मुस्लिम समाज के बीच धारणा को बनाने की कोशिश जारी है। धारणा यही कि अखिलेश आजम के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन गाहे बगाहे अखिलेश आजम के मुद्दे पर तो बोलते ही हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े, पूरी राजनीति को उलझाना चाहती है सरकार। इनसे अच्छा झूठ बोलने वाला कोई नहीं और इनसे अच्छा झूठ का प्रचार करने वाला कोई नहीं। भले ही अखिलेश आजम के मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के बीच कुछ हद तक संदेश तो ये गया ही है कि इस मामले में अखिलेश को जिस अंदाज में आक्रामक होना चाहिए था, वैसा सियासी जमीन में हकीकत में दिख नहीं रहा है। अब जब ऐसी धारणा बनेगी तो सियासत होगी ही। बहरहाल ओवैसी को भी आजम खान की हामी का इंतजार है। अगर ओवैसी उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश के लिए ये स्थिति बेहद राजनीतिक नुकसान होने वाली होगी। वैसे अखिलेश यादव ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन को एक बार फिर से विधान परिषद का टिकट देकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपने तरफ से सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है।